तो सदाबहार के लिए मिक्स हो रही है जी हाँ। माशाल्लाह देखिए ये हमने ट्रक डलवाए हैं, ये कच्ची खाद है, ये पौधों में अभी नहीं डाल सकते वरना पौधे मर जाएंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक हम ये वाली ख़त्म करेंगे जब तक ये तैयार हो जाएगी, काली हो जाएगी बिल्कुल धूप पे पक पक के, ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम सबको दिल की गहराइयों से भाई, बहुत ढेर सारा सलाम और बहुत ढेर सारा प्यार। जिस जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और व्लॉग को लाइक नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, और घंटी को दबाना मत भूलना। अक्सर लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन घंटी को दबाना भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई आप डेली व्लॉग नहीं करते। भाई हम डेली व्लॉग करते हैं, आप सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी को भी दबा दो ताकि आने वाला हर नया व्लॉग आपके होम फेसबुक के और यूट्यूब के होम पेज पर आ जाए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो, वीडियो कर दो लाइक एंड शेयर, और आपका वेलकम बैक हो गया एक और न्यू व्लॉग के अंदर, ठीक है। व्लॉग के अंदर आ गए हम, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। पहले एक बड़े मज़े की बात बताते हैं, ये देखें कितने दिन हो गए हमने इसको पानी नहीं लगाया क्योंकि सर्दी इतनी है, टाइम नहीं मिल रहा, काम बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो बंदे थे वर्कर थे हमारे वो भी इमरजेंसी में छुट्टी चले गए, वहीद हमारा चला गया, उसका भाई जो हमारे पास था जो मंजूर मैं आपको इतने दिन से व्लॉग में दिखा रहा हूँ आज वो भी जा रहा है, तो अकेले हैं हम, काम का जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो हम आज इसको कोशिश करते हैं कि पानी वानी लगाएं, देखें वरना बिल्कुल अच्छा प्लास्टिक पॉट्स में कुछ मज़ा नहीं करी, वो देखें ख़राब हो गई, पहले भी मैं दो चार कल्टी कर चुका हूँ, ये भी ख़राब हो गई, और ये देखें इन दो बगूनिया से ये दो मदर प्लांटा में मिले थे और मैंने इससे कितने बनाए आप खुद काउंट कर सकते हो, 2, 4, 5 की लाइन है, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये दो उसी में आ गए, वहाँ से निकले हैं 25 पौधे मैंने तैयार किए 25, और एक इधर जो हमने 10 इंची में लगाया था तो हो गए 26, और 26 और दो मदर प्लांट हो गए 26 और दो 28 हो गए, ठीक है। ये देखिए एक ये लगा हुआ, ये बिल्कुल बहुत बड़े गमले में लगा दिया था अबू ने, तो ये देखें इसको अभी तक हमने पानी जब से लगाया एक ही दफ़ा पानी दिया भाई बड़ी, और मैं आपको दिखाऊं कि हमारे इधर जो गमले पड़े हैं उनमें काफ़ी जो है फंगस जम रहा है, ये देखें ये गमले बिल्कुल सामने हरे हो गए हैं पता नहीं क्यों, ये देखें ये देखें बिल्कुल मिट्टी जो है ऊपर से ब्लैक कोरी दे हरी हो रही है, मैं आपको उठा के दिखाऊँ तो ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो रही है, इसका भी हमारे पास हल है, ये देखें ये ऊपर काई जम रही है, हम इसको अपने इसमें बोलते हैं काई, ये देखें तो इसके लिए एक पाउडर आता है, तो मैं आपको काई के बारे में बताया था, इसके लिए एक पाउडर आता है ई ईस्ट या एफ ईस्ट, अभी तक मुझे नाम याद नहीं रखा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ एफ ईस्ट है या वी ईस्ट है, और आज अंदर पानी भी लगाना है और सर्दी बहुत है क्या करें, सर्दी भी है और काम भी ज़रूरी है, सर्दी बहुत है। देखो कल हमने मंजूर से पहले मैंने बंधवा ली थी, ये भी बंधवा ली, ये भी बंधवा ली, और ये वाइट वाली मैंने इसलिए बंधवाई है क्योंकि अगर इसका पत्ता नीचे गिरा रहेगा तो पत्ता छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने बंधवा ली, क्योंकि ये देखिए अब ये ऊपर आ गई ना तो यहाँ जब ये चिपक जाएगी और जब फैब में हम अपनी मनी प्लांट काटेंगे तो इसकी शाखें ज़्यादा मोटी मोटी होंगी तो फिर अच्छे से हेल्दी लग जाएंगी, अगर ये नीचे लटकी रहती तो फिर पत्ता छोटा कर जाती और फिर मज़ा ना आता। फ़िलहाल अभी हमें पानी लगाना है, और इस साल हम अपनी पान की भी मनी प्लांट मोसेस स्टिक के साथ 1000-1500 लगाने वाले हैं, वो भी बड़े इस साइज़ के गमले में ना डंडा लगाना है, और इसको पहले काट के कटिंग लगाई जाएगी, शेड बनाया जाएगा, प्लास्टिक की कपड़े बनानी पड़ेगी, जैसे हम बुगनवेला की कटिंग लगाई हुई मैंने वैसे 1000-1500 इसकी कोपलें लगाई जाएंगी, फिर जैसा तैयार होगा फैब में कोशिश करेंगे कि इस बार ये भी लगाएं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो बोलते हैं भाई पान की बेल चाहिए मोस स्टिक के साथ लगी हुई, तो पहले हम बनाते थे लेकिन फिर ज़्यादा मसरूफियत की वजह से हमने काम छोड़ दिया था, क्योंकि मनी प्लांट लगाना बड़ा आसान काम है, बस काटो और लगा दो हो जाती है, लेकिन इस पान के लिए अगर आप इसको डायरेक्ट काट के लगाते हो तो बड़ी मुश्किल से होगा, 70 या 80% जो ये नहीं होता, पहले इसकी कटिंग लगानी पड़ती है, फिर वो जड़ रूट्स पकड़ती हैं, फिर उसको लगाया जाता है। सो पानी लगाते हैं, मैं यूँ गया और यूँ आया, और ये देखो हमारा कोलियस ऐसा ऐसा जो है कलर पकड़ रहा है, दूर से नज़र आ रहा है। सो मैं पानी लगा लूँ, फिर यूँ गया और यूँ आया। आज जो है हमारे मंजूर वो अपना सदाबहार के बीज लगाने के लिए मिट्टी मिक्स कर रहे हैं, हम आपको वो दिखाते हैं, थोड़ा व्यू व्यू देख लो, देखो हमने स्नैक प्लांट का ढेर लगाया हुआ, और ये देखो हमारा मलेशिया बाम 24 इंच फोर्ट, ये बीच में हमने चाइना रोज लगाया हुआ है। हमारा मंजूर खाद मिट्टी मिक्स कर रहे हैं सदाबहार का बीज लगाने के लिए, आज ये जा रहे हैं अपने गांव, शादी है मंजूर की,
तो हमने सोचा जाते जाते इनसे मिट्टी मिक्स करवा लें, फिर पीछे हम बीज लगाएंगे। देख रहे हैं बुगनविला सुर्ख लाल। जाते जाते हमने सोचा इनसे मिट्टी मिक्स करवा लें। ओए होए क्या मिट्टी मिक्स की है, सजी मिट्टी। डन। ये देखिए सदाबहार के लिए मिट्टी मिक्स कर रहा है मंजूर हमारा। काफ़ी अच्छी मिट्टी मिक्स की है मंजूर ने। खड़ कर सदाबहार के लिए मिक्स हो रही है। जी हाँ माशाल्लाह। देखिए ये हमने ट्रक डलवाए हैं, ये कच्ची खाद है, ये पौधों में अभी नहीं डाल सकते वरना पौधे मर जाएंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम ये वाली ख़त्म करेंगे जब तक ये तैयार हो जाएगी, काली हो जाएगी बिल्कुल धूप पे पक पक के। ठीक है सही है मंजूर जी। तब तक आप मिक्स करो। मिक्स करा बाकी क्या पैसे कितनी है। लेकिन वो उसका कलर अलग है ना, वो कच्ची कच्ची है, देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गई है। जब तक वो वाली ऐसी ब्लैक नहीं होगी कि जब तक उसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ठीक है समझ गया समझ गया। सो भाई आज था जुम्मे का दिन और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। जवाब अपना बाजू दिखाना, कौन सा था ये देखो, वो इसका पट्टा कहाँ है, ये नरम मुलायम। जवाब को डॉक्टर ने दिया एक पट्टा, ये देखें इसको क्या बोलते हैं जवाब, ये हाथ पे पहनने के लिए ताकि इससे हड्डी फिट हो जाए, है ना जवाब। अभी फिर 10 तारीख को बुलाया ऐसे ऐसे डॉक्टर हमें ऐसे, अपने अपॉइंटमेंट की डेट तो ऐसे दे रहा है जैसे इसके अलावा बिजनेस मीटिंग सेट कर लियो, हर 15 दिन 10 दिन बाद बुला रहे थे। लेकिन अच्छा इससे जवाब की हड्डी मजबूत हो जाएगी। देखें ये देखें ये पंचिंग बैग जवाब ने पहन लिया है, सही है। अब वैसे ही मैं अंदर अभी लगाने आया हूँ पानी, क्योंकि पानी काफ़ी दिन हो गए नहीं दिया। ये देख रहे हैं इसमें तो खैर हमने बेल नहीं लगाई थी, ये वो ये देखें बिल्कुल सूख रहे पत्ते, तो आज भर भर के पानी देते हैं इससे पहले कि सारी ख़राब हो जाएं। ठीक है ये देखें सारे सूखे पड़े हैं, देखें ठीक है। आज हमारी विन का सदाबहार के लिए खाद मिट्टी मिक्स हो रही है, उसमें खाद और मिट्टी दोनों नॉर्मल हैं, दोनों को मिक्स करके बनाई है और उसमें यूरिया DAP कुछ भी नहीं डाला, वो डालेंगे हम बाद में, सब कुछ साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल सिर्फ अभी मिक्स किए मैं लगाता हूँ पानी और जवाब जा रहा है ट्यूशन, ट्यूशन से जब वापस आएगा तो अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और आज बाइक भी धोनी है ना। सो नाउ लेट्स, मैं यूं गया यूं आया और मिट्टी मिक्स करने का तरीका अगर जानना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और घंटी का जवाब बोलना, घंटी भी दबा दो, जो भी हाथ में मार दो घंटी पर, घंटी पर सब्सक्राइब वाले बटन पर भी ना। सो भाई मिलते हैं पानी लगाने के बाद। सो भाई आज हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे सुबह सुबह, व्यू चेक कर लो आप सब लोग, सुबह सुबह का ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम तो यहाँ अंदर छुपे हुए हैं क्योंकि बाहर बड़ी तेज़ हवाएं हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कल हम व्लॉग को एंड करना भूल गए थे और कल हम खाद मिट्टी मिक्स कर रहे थे। विन का सदाबहार लगाने की बारी भाई आ गई है, बहुत वक्त करीब आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो जनवरी चल रहा है अभी से क्यों लगा रहे, तो भैया जनवरी में लगाएंगे, सर्दी की वजह से उसकी जो ग्रोथ होगी बड़ी स्लो स्लो स्लो, फरवरी के एंड में वो तैयार होगी छोटी छोटी, फिर उसको जब तक गमले भरेंगे सिंगल करने के लिए, मट्टी वट्टी मिक्स करेंगे तो सिंगल करने के लिए हमें मार्च तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद मार्च में सर्दी का सीज़न वैसे ही एंड हो जाता है। मैं बोलता हूँ ये फरवरी के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा और सर्दी का शुरू हो जाएगा गर्मियों का, तो इसलिए अभी से तैयारी वारी करें। बाकी व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना व्लॉग पसंद आया या नहीं और भाई जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, और क्योंकि हमें 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। और मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना और ऐसे सब्सक्राइब और प्यार दिखाते रहना। बाकी अगले व्लॉग में मिलते हैं, भूलना मत, जुड़े रहना साथ, खुदा हाफिज़।